वहां बीजेपी को वोट दे। बिहार चुनाव 2020 में चुनाव का रंग कुछ अलग ही देखने को नजर आ रहा है। ऐसे में बीजेपी बार बार स्पष्ट कर रही है कि नंबर जो भी हो, मुख्यमंत्री की गद्दी तो आखिर नीतीश कुमार को ही जाएगी। लेकिन चिराग पासवान बार बार निशाना साध रहे हैं नीतीश कुमार पर। चिराग पासवान ने अपने ट्विटर अकाउंट से नीतीश कुमार के विरोध में एक ट्वीट भी किया है और नीतीश कुमार के एक अहम फैसले यानी कि शराबबंदी पर आलोचना भी की थी। चिराग पासवान का कहना है कि बिहारियों को शराबबंदी के नाम पर तस्कर बनाया जा रहा है और बिहार की माताएं बहने तस्कर नहीं बनते देखना चाहती। एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान का कहना है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को लागू करने के लिए एलजेपी को वोट दे और वहीं अन्य स्थानों पर बीजेपी को वोट दे। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर बीजेपी अगर समर्थन कर रही है नीतीश कुमार का, चिराग पासवान आखिर किसकी सह पर विरोध कर रहे हैं नीतीश कुमार का। वही अगर हम बात करें बीजेपी की तो वो भी एलजेपी के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रही है। वही अगर हम बात करें बीजेपी की तो बीजेपी भी लगातार एलजेपी के खिलाफ बयानबाजी कर रही है। अगर हम बात करें बिहार चुनाव 2020 की तो बिहार चुनाव 2020 लगातार रोमांचक होता नजर आ रहा है। वही अगर हम बात करें बीजेपी की तो बीजेपी भी लगातार एलजेपी के खिलाफ बयानबाजी कर रही है और निशाना साधती नजर आ रही है। इसी के साथ हम बात करें बिहार चुनाव 2020 की तो बिहार चुनाव लगातार रोमांचक होता नजर आ रहा है। ऐसे में तीन चरणों में वोटिंग होनी है और चुनाव के दिन नजदीक होते दिख रहे हैं। बिहार चुनाव की वोटिंग तीन चरणों में होनी है और दिन लगभग नजदीक आ गया है। 28 अक्टूबर को पहली वोटिंग होनी है, 3 नवंबर को दूसरी और 7 नवंबर को तीसरी और इसी के साथ 10 नवंबर को परिणाम आने जा रहा है। और इसी के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ।